हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिनों के बाद एक काम करने जा रही हूँ और वो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी कि हेयर कट की वीडियो बनाना है। तो बहुत दिनों से ऑलमोस्ट लास्ट जब मैंने हेयर कट वीडियो डाला था उसके बाद मैंने हेयर कट किया ही नहीं, ऑलमोस्ट 1.5 साल भी से भी ज़्यादा हो गई है और हेयर का जो हालत है ना वो ख़राब हो गई है अभी, क्योंकि मेरे हेयर ना थोड़ा वो है, वे भी तो है ही साथ में ही थोड़ा घना है, तो केयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और ख़ासकर इस सीज़न में, रेनी सीजन में। तो अभी सोच रही हूँ कि हेयर कट करके आऊँ, फर्स्ट मैं करके आऊँगी और बाद में शिवन्ना के भी करना है एक दिन, बट वो अभी तक राज़ी नहीं हुई है। तो पहले मैं करके आऊँगी और क्या कट करती हूँ आप लोग के साथ हो सके तो दिखाने की ट्राई करूँगी और एक ट्यूटोरियल भी हो जाएंगे आप लोगों के लिए, और पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं पता नहीं, बट दिखाने की ट्राई जरूर करूंगी। तो पार्लर में हमारे सोसाइटी के अंदर ही है, कोई मैं वो महंगा वाला उसमें नहीं जा रही हूँ, लोकल में ही काट करने जा रही हूँ। तो आप लोग देखते रहिए मेरी ये हेयर कट वीडियो और देखिए हेयर लंबा हो गई है, काफ़ी लंबा हो गई है, तो शॉर्ट ही करूँगी। तो चलिए काटते हैं। और इधर देखिए मैं आ गई हूँ पार्लर में और इधर मेरी हेयर बहुत ही लंबा हो गई थी, मैंने आपको पहले ही बोला है, ऑलमोस्ट 1.5 साल से भी ऊपर हो गए हैं, कुछ भी मैंने काट नहीं किया था और सभी का ऐसे ही हाल है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सभी पार्लर वगैरह भी बंद था। बट ये हम लोगों की सोसाइटी के अंदर ही है पार्लर और अच्छा हाइजीन ही मेंटेन कर रखा था उन लोगों ने, तो इसीलिए मैं गई और काफ़ी रिव्यू भी सुना था कि अच्छा करते हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम गए थे और प्राइस भी बहुत ही रिजनेबल था इसके। और आज की जो कट है ये मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी ग्रेजुएट बॉब कट की ट्यूटोरियल। और ज़्यादा बातें मैं म्यूट करके रखा हूँ क्योंकि पार्लर में म्यूजिक चल रहा था, कॉपीराइट क्लेम आ जाते, तो इसीलिए। बट मैं आप लोगों को फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं करूंगी इस वीडियो को, आप लोगों को पूरा कटिंग दिखाने की ट्राई कर रही हूँ। और देखिए फर्स्ट मेरी जो हेयर थी उसको इस दीदी ने फर्स्ट डिवाइड करके रखा है क्योंकि ग्रेजुएट हेयर कट में फर्स्ट नीचे से काट करना पड़ता है, तो फर्स्ट उन्होंने देखा और मुझे पूछ रहा था कि ग्रेजुएट कट में भी बहुत वो होता है, आप लेंथ ज़्यादा रख के भी आप कर सकते हो और शॉर्ट हेयर पे भी कर सकते हो, बट मुझे शॉर्ट ही करना था क्योंकि मेरे हेयर थोड़ा वो है, संभालना मुश्किल है क्योंकि बहुत हेवी है, तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि मैं इस बार थोड़ा शॉर्ट ही करूं। पिछले बार भी मैंने थोड़ा शॉर्ट ही किया था, बट शॉर्ट हेयर मुझे अच्छा लगता है और मैनेजेबल होता है और बेंगलोर की जो पानी है तो थोड़ा हार्ड वाटर होता है, तो अगर आप अच्छी तरह से हेयर की केयर नहीं कर पाते हो तो बहुत जल्दी ही ये डैमेज हो जाते हैं। बट अच्छा ही हुआ मैंने शॉर्ट हेयर ही किया बहुत लॉन्ग से, तो आप लोगों को दिखाने की ट्राई करूँगी और ज़्यादा बातें भी नहीं करूँगी क्योंकि आप लोगों को देख के ही पता चल जाएगा क्या क्या स्टेप कैसे काटा जाते हैं ऐसे ग्रेजुएट हेयर कट। और बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि इस बार मैं पिक्सी हेयर कट कर रही हूँ क्या, नहीं, बट नहीं मैं पिक्सी नहीं कर रही, मैं जस्ट ग्रेजुएट हेयर कट की ही ट्यूटोरियल आज आप लोगों को दिखाने वाले हूँ। होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल भी हो सकते हैं क्योंकि आप लोग घर में भी अगर कोई काटने की ट्राई करते हो तो इस वीडियो से आप लोग सीख सकते हो। तो आप लोग देखिए और एन्जॉय कीजिए और मेरी न्यू हेयर कट में मुझे कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए।
देखिए ये जो पीछे का था पोर्शन वो ऑलमोस्ट काट हो गए हैं और अभी आगे का काटने वाले हैं। और आप लोगों को एक अंदाज़ा हो ही गया होगा कि काट कैसा होगा। और मैं एक ट्यूटोरियल के बेस से भी ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग सीख सकते हैं। अगर कोई न्यू वो है सीख रहे हैं पार्लर वगैरह की हेयर कटिंग के ट्यूटोरियल सीख रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक ट्यूटोरियल जैसा भी हो जाएंगे ये वीडियो। और मेरी पहले भी एक वीडियो है हेयर कटिंग के ऊपर, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वो भी देख सकते हो। और देखिए अच्छा लग रहा है ना, और अच्छा लगते भी हैं जब हेयर कट करते हैं ना तब बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ हल्का हल्का सा लगते हैं। बट बहुत दिनों के बाद किया है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बाद में कैसे देखूँगी क्या। तो आप लोग धीरे धीरे देखते जाइए। और जो मेरी मार्क्स है वो बार बार फिसल रही थी क्योंकि एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो गए थे। Thank you.
Thank you.
देखिए ऑलमोस्ट डन हो गई है हेयर कटिंग, और कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे तो इतना पता नहीं चलता, घर में जाके अगर सेटिंग वगैरह करती हूँ, हेयर वॉश भी करना था, तो उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा हुआ है। और देखिए ये है फाइनल लुक मेरी हेयर की, कैसा लगा। ये है ग्रेजुएट बॉब कट, आप लोग इसकी ट्यूटोरियल भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, और कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आगे भी मेरी हेयर के ऊपर अगर कुछ वीडियो आप लोगों को देखना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फिर मिलती हूँ मेरी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।